अब इंदौर के अंतर्गत पिछले वर्ष हमने 1.5 लाख से ज़्यादा शहर के लोगों का स्वास्थ्य का परीक्षण किया और माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि ये अमृत काल चल रहा है और इस अमृत काल में आने वाले 25 साल देश के बहुत महत्वपूर्ण हैं। देश आने वाले 25 सालों में विश्व का नेतृत्व करने वाला है, तो आने वाली जो पीढ़ी है हमारी जो 25 साल में आने वाली है, उसको जो शिक्षा देते हैं शिक्षक, उनकी हेल्थ का भी हमें ध्यान रखना है ताकि वो अच्छी शिक्षा दे पाएँ। तो हमने एक अभियान चलाया था, हेल्दी टीचर हेल्दी फ्यूचर। टीचर्स हेल्दी रहेंगे तो हमारा फ्यूचर भी हेल्दी रहेगा, और ये हमने अप्रैल में शुरू किया था ये अभियान इसी वर्ष। और मुझे बताते हुए खुशी है कि इंदौर के लगभग 4,000 से ज़्यादा हमने टीचरों का मेडिकल चेकअप कराया और 4,000 में अधिकांश शासकीय शिक्षक है और कुछ प्राइवेट भी हैं। और इसमें जो चीज़ें आई है वो डॉक्टर बताएंगे कि किस प्रकार, लगभग मुझे लगता है कि जो विटामिन डी का जो 82% जो शिक्षक है उनमें विटामिन डी की कमी है, जो कि बहुत ही चिंताजनक है। और मुझे लगता है कि इसके लिए हमें ध्यान देना चाहिए, तो इसको लेके हमने इंदौर के 10 हॉस्पिटलों से संपर्क किया है। वो 10 हॉस्पिटल इसमें हमारी मदद करेंगे, उनका फ्री काउंसलिंग करेंगे और उनको किस प्रकार की मेडिसिन चीज़ें भी देंगे। तो खास करके विटामिन डी को लेकर हम ये अभियान चला रहे हैं कि उनको हम निःशुल्क उपलब्ध कराएं ताकि वो स्वस्थ रहें, और स्वस्थ शिक्षक रहेंगे तो हमारी जो शिक्षा रहेगी वो स्वस्थ रहेगी, और जो हेल्दी टीचर हेल्दी फ्यूचर का जो हमारा कंसेप्ट है वो हम इंदौर से लॉन्च कर रहे हैं और उसी को लेकर आज हम आपके बीच में कुछ और खास चीज़ें देखी कि ब्लड प्रेशर, तनाव या डायबिटिक टाइप का टीचर्स का प्रेशर अपने जो 1,000 टीचर्स का एनालिसिस किया, उसमें 1 से 1.5% लोगों को ही पता था कि उनको डायबिटीज से या हाइपरटेंशन है। बाकी 9.43% नए टीचर्स को पता पड़ा पहली बार कि उनको डायबिटीज है। 14.4% टीचर्स को पता पड़ा कि उनको कार्डियक डिजीज है। ऐसे ही लिवर की बीमारी, विटामिन डी जैसे सर ने बताया 82.79%, विटामिन B12 लो होना और थायराइड की भी काफ़ी बीमारी पकड़ में है। तो इस तरह का स्वास्थ्य का कैंप उन्होंने पहली बार अटेंड किया था, और क्योंकि ये अर्ली स्टेज में डिटेक्ट हो गया तो वो बहुत ही ईजीली। मेजर प्रॉब्लम क्या देखी आपने और किस एज वर्ग में ज़्यादा प्रॉब्लम देखी है? एक तो इसमें जो फीमेल्स ने ज़्यादा पार्टिसिपेट किया था मेल से, और दूसरा जो मेजर था वो ऑफकोर्स विटामिन डी डेफिशिएंसी था, जो जनरल पॉपुलेशन में भी है और टीचर्स का भी इनहाउस काम है, तो उसमें मेजर प्रॉब्लम वही था। कार्डियक जैसे जनरल पॉपुलेशन में है और अमूमन उसी तरह का उनमें था, और विटामिन B12 की कमी। मैम, सिटी के कितने ऐसे स्कूल इसमें हैं जिसमें चेकअप वगैरह हुआ है या करेंगे? तो इसमें करीब करीब 80 स्कूल कवर हुए हैं, लेकिन MP बोर्ड के स्कूल्स का एक ही जगह सबको इकट्ठा कर दिया था, तो हमने 51 साइट्स पे कैंप लगाए थे, और 60% सरकारी टीचर्स और 40% प्राइवेट टीचर्स ने पढ़ा।